हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फन विद निकिता। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। सो ये वीडियो भी गाइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा गाइस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिल्टर एंड पाइपिंग। गाइज, इसके थ्री टाइप्स होते हैं। इट हैज़ थ्री टाइप्स ऑफ फिल्टर। फर्स्ट है गाइज हमारा शॉर्ट, सेकेंड मोर एंड थर्ड फाइन। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट शॉर्ट। सो गाइज, दिस फिल्टर इज यूज्ड टू अरेंज द आउटपुट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। गाइज, इस फिल्टर का हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि शॉर्ट का हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को या फिर कोई भी आउटपुट जो भी हम कोई कमांड दे रहे हैं, लाइक DIR। ठीक है, अब DIR का जो भी आउटपुट हो उसे हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को दिया है कि असेंडिंग में अगर आपको कोई अल्फ़ाबेट कोई नेम दिया हुआ है, सो वो A से स्टार्ट होगा, Z तक जाएगा, वो अपने सीरीज़ वाइज आपको शो कर देगा। ठीक है, अगर वो न्यूमेरिकल्स है, कुछ डिजिट से कोई नंबर दिया हुआ है, सो वो 0 से स्टार्ट करेगा, 9 तक जाएगा, उस अकॉर्डिंग में आपको अरेंज करके देगा। और वहीं अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो Z टू A, यानी जस्ट ओपोजिट हो जाएगा, थोड़ा उल्टा हो जाएगा। और अगर हमारा कोई न्यूमेरिकल्स रहा तो वो जस्ट 9 से शुरू करेगा, 0 तक जाएगा। सो गाइस, आपको अभी उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली दिखाऊंगी तो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा ये। एंड ईजी लगेगा क्या, ये ईजी है ही, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है गाइज। फ्रेंड्स, जब भी हम DIR टाइप करके एंटर करते हैं तो हमारे डेट सीरियल वाइज नहीं रहता, अनअरेंज रहता है, लाइक 1, 5, 7, 3, 8, 2, मतलब कुछ भी जिस डेट में हमने किया वो डेट आपको शो कर देगा, लेकिन अरेंज नहीं रहेगा। सो इसी डेट्स और या फिर जो भी हमारा नेम्स रहेगा उन सभी को अरेंज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो चलिए देखते हैं आखिर इसका यूज़ कैसे करते हैं। लाइक गाइस, हमने एक कमांड दिया DIR स्पेस पाइप साइन। पाइप साइन मैंने आप लोग को एक वीडियो में बताया था कि पाइप साइन क्या होता है, यहाँ पर भी मैं ऐसे लिखी हूँ। सो पाइप साइन टाइप करेंगे एंड देन लिखेंगे शॉर्ट और जस्ट एंटर कर देंगे। गाइस, ये जो हमने लिखा ना पाइप साइन एंड शॉर्ट, ये हमारा जो भी आउटपुट आएगा उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके डिस्प्ले करेगा। सो गाइस, अब हम अगर DIR का यूज़ करें, DIR टाइप करके एंटर करें, तो आप देखोगे कि आपका जो डेट्स थे ना वो सारे अरेंज्ड हो गए एंड साथ ही आपके फाइल्स डायरेक्टरीज भी। सो गाइस, यही है इसका यूज़, लेकिन प्रैक्टिकली बताऊँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो प्लीज़ गाइस, प्रैक्टिकल वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिकली आप जितना कंप्यूटर में समझ सकते हो ना उतना आप थ्योरेटिकली नहीं समझ पाओगे। सो एक बार थ्योरी समझ लिया आपने और फिर प्रैक्टिकल वीडियो देख लोगे, आपको एकदम वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा आपका, फिर आप कभी नहीं भूलोगे उस चीज़ को। सो डोंट मिस द प्रैक्टिकल वीडियो। ओके गाइज, आप इस कमांड का यूज़ किसी भी फाइल के कंटेंट को भी अरेंज करने के लिए कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर एक फाइल का नेम दिया है nikita.txt। अभी इस फाइल के अंदर में आपके जो भी नेम्स होंगे, लाइक आदित्य, चंदन, सौरभ, वीसु, रिंकी, काजल, पूनम, पूजा, कुछ भी, ठीक है, जो भी आपका नेम हो, अब आप कुछ भी उसमें नेम दे रहे हो ना, तब सब तो अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के हैं। अब आप चाहते हो कि एकदम असेंडिंग ऑर्डर में वो सारे नेम्स अरेंज कर दें, अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपका अरेंज हो जाए, सो आप वो भी कर सकते हो। कैसे करोगे गाइस, आपको सिंपली टाइप करना होगा टाइप स्पेस जो भी आपका फाइल का नेम है, मेरा है nikita.txt, एंड देन फिर से स्पेस देना है और लिखना है पाइप साइन शॉर्ट, बस इतना करना है और एंटर कर देना है, तो आपका वो अरेंज हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। या फिर गाइज, आप ये भी टाइप कर सकते हो कि शॉर्ट स्पेस एंड देन मैंने आप लोग को बताया था ना आउटपुट रिडायरेक्शन और इनपुट रिडायरेक्शन का साइन, तो आउटपुट रिडायरेक्शन का कोसाइन देना है एंड देन लिखना है अपने फाइल का नेम nikita.txt और कर देना है एंटर, तो भी आपका वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा आपके नेम्स को, जो भी आपके फाइल का कंटेंट होगा उसे अरेंज कर देगा।
फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आउटपुट रिडायरेक्शन एंड इनपुट रिडायरेक्शन क्या होता है, सो उससे रिलेटेड भी मैंने अभी रिसेंटली ही वीडियो अपलोड की हूँ। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप लोग जा कर के देख लेना, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी कि आखिर कौन से वीडियो में आउटपुट रिडायरेक्शन एंड इनपुट रिडायरेक्शन के बारे में मैंने बताया है, ओके। सो आप लोग जा कर के देख सकते हो। सो गाइस, ये तो सीखा हमने असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना हो तो फिर कैसे करेंगे, चलिए सीखते हैं वो। सो आपको सिंपली टाइप करना है DIR एंड देन स्पेस दे करके लिखना है पाइप साइन शॉर्ट स्लैश R। गाइस, R का यूज़ हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है, दैट्स वाई, ओके। एंड देन जस्ट एंटर कर देना है। तो फिर जब आप चेक करोगे ना DIR करके एंटर कीजिएगा, तो फिर आपको शो होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके सारे के सारे आउटपुट अरेंज हो चुके हैं, ओके। एंड गाइस, बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी फाइल की कंटेंट को भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था असेंडिंग ऑर्डर में सेम है, बस आपको /R लगा देना है। मीन्स आपको टाइप करना होगा टाइप स्पेस निकिता डॉट txt स्पेस पाइप साइन शॉर्ट /R एंटर, ये भी टाइप कर सकते हो, या फिर आप टाइप कर सकते हो शॉर्ट /R एंड देन स्पेस देकर के आउटपुट रिडायरेक्शन का साइन एंड देन निकिता डॉट txt एंटर। बस इतनी सी बात है गाइस, इतना कीजिएगा तो आपका असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोर। ओके, सो दिस फाइल इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट इन पेज एंड पॉज वाइज। गाइस, इस फाइल का हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी आउटपुट को पेज एंड पॉज वाइज डिस्प्ले करने के लिए। अब पेज एंड पॉज वाइज क्या है गाइस, देखिए अगर हमारा कोई भी हमारा जो भी आउटपुट आ रहा है, लाइक हम DIR की है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी फाइल्स बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, तो अब वो तो पूरा स्क्रीन को पूरा फुल कर देगा ना, और अगर हमें आगे देखना है तो हमें स्क्रीन को स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, तब जाकर के हम देख पाएंगे। सो इसलिए गाइस हम इस मोर कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो भी आउटपुट हो वो पेज एंड पॉज वाइज शो करे, यानी कि एक ही स्क्रीन में शो करे, हमें स्क्रॉल अप करने की कोई ज़रूरत ना पड़े, बस वो पेज वाइज शो कर दे। और फिर जैसे ही पेज फर्स्ट पेज आया तो हमें अच्छे से हम पढ़ पा रहे हैं, और फिर हम जैसे ही स्लाइड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा, कुछ उस टाइप से गाइस। सो गाइस, पहले मैं आप लोगों को DIR का मोर कमांड बता देती हूँ, जो कि आप लोगों को बोर्ड के नीचे में दिख रहा होगा, मैंने सबसे लास्ट में मैंने वही लिखा है, ओके। सो उसमें टाइप करेंगे गाइस हम लोग DIR स्पेस पाइप साइन शॉर्ट स्पेस पाइप साइन मोर एंटर। गाइस, इतना ही करना है और हमारा जो भी DIR का आउटपुट होगा वो पहले जो शॉर्ट का हम यूज़ कर रहे हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा, अरेंज कर देगा। एंड देन हम मोर कमांड का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे जो भी आउटपुट होगा उसे पेज एंड पॉज वाइज शो कर देगा। एंड गाइस, अगर आप लोग को नीचे कमांड देना है, लाइक आप टाइप कर सकते हो DIR स्पेस पाइप साइन शॉर्ट /R स्पेस पाइप साइन मोर एंटर। अब इससे क्या होगा गाइस, इसे आपके असेंडिंग ऑर्डर में नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले शो करेगा एंड देन वो आपका पेज एंड पॉज वाइज शो कर देगा। सो ये दोनों कमांड हम लोग एक साथ ही कर सकते हैं, ओके। सो गाइस, मोर कमांड का यूज़ करके हम किसी भी फाइल के कंटेंट को भी पेज एंड पॉज वाइज कर सकते हैं। लाइक आपने किसी फाइल में बहुत सारी चीज़ें लिख करके रखी हैं, सो उसमें भी आप इस मोर कमांड का यूज़ कर सकते हो ताकि जो आप लिखे हो वो पेज एंड पॉज वाइज शो कर दें। लाइक आपको टाइप करना होगा टाइप स्पेस निकिता डॉट txt जो भी आपका फाइल का नेम है एंड देन स्पेस पाइप साइन मोर एंटर, बस इतना करना है गाइस, और आपका जो भी कंटेंट होगा वो पेज एंड पॉज वाइज शो कर देगा। और वैसे ही अगर आप दूसरा कमांड कुछ देना चाहते हैं, लाइक मोर स्पेस और आउटपुट रिडायरेक्शन का साइन देना है एंड लिखना है निकिता डॉट txt एंटर, इससे भी गाइस वही आउटपुट आएगा, दोनों का ही सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। और नीचे में जो मैंने और लिखा है ना, और इसलिए लिखी हूँ बिकॉज फर्स्ट वाले में आउटपुट जो आएगा हमारा वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा और नीचे वाले में डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए मैंने और लिखा है, और ऊपर वाले में और इसलिए लिखी हूँ बिकॉज दोनों सेम है, ठीक है।
सो इससे कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको। कोई भी डाउट हो गाइज प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछा कीजिए, या फिर मेरे फेसबुक आईडी या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी में भी आप पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। ओके सो आप जाके चेक कर लेना। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड। फाइंड का यूज़ हम लोग तब करते हैं गाइज जब हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड लाइन या फिर किसी कैरेक्टर को फाइंड करना हो यानी सर्च करना हो तब किसी फाइल के अंदर में। तो आप कह सकते हो दिस फिल्टर इज़ यूज्ड टू सर्च और फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड लाइन कैरेक्टर इन अ फाइल। सो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। आप कैसे यूज़ करना है चलिए मैं बताती हूँ। सिंटेक्स देना है गाइस, आपको टाइप करना होगा फाइंड एंड देन स्पेस क्लिक करके सर्च वर्ड, जो भी आपको सर्च करना है उस वर्ड को आपको टाइप करना होगा एंड देन स्पेस दे करके जो भी आपको फाइल नेम होगा उसे टाइप करना है और कर देना है एंटर। तो चलिए देखते हैं कमांड। अब कमांड में गाइस मैंने एग्जांपल लिया है फन। सो इसमें मैं टाइप क्या करूँगी, फाइंड स्पेस फन। लेकिन गाइस इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि इसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा देना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ही अपने सर्च वर्ड को लिखिएगा एंड देन स्पेस दे करके जो भी आपका फाइल नेम है वो लिख करके एंटर कर दीजिएगा। तो फिर आपको आउटपुट शो कर देगा जिस फाइल का नेम आपने दिया है उस फाइल के अंदर अगर वो वर्ड होगा तो आपको वो शो कर देगा कि हाँ भाई इस लाइन में आपका ये वर्ड है, उसे हाईलाइट करके आपको शो कर देगा। एंड गाइज अगर आप जानना चाहते हो कि आप जो भी वर्ड सर्च कर रहे हो वो कितनी बार लिखा गया है आपके उस फाइल में, ठीक है, तो वो भी आप जान सकते हो। कैसे, फाइंड d/c एंड देन स्पेस देना है और लिखना है अपना सर्च वर्ड, यानी मैंने दिया है फन तो मैंने लिखा फन एंड देन स्पेस देकर के अपने फाइल का नेम और कर देना है एंटर। सो आपको एक आउटपुट शो करेगा, एक मैसेज शो करेगा काउंट द लाइन, यानी कि जितनी भी आपके लाइंस में ये आपका सर्च वर्ड लिखा हुआ है टोटल है आपका 3 जितना भी होगा, ठीक है, वो आपको शो कर देगा। अभी नेक्स्ट आप जानना चाहते हो कि कितनी लाइन में लिखा हुआ है ये तो आपने जान लिया, अब आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से लाइन में लिखा हुआ है, लाइन के नंबर अब जानना चाहते हो, तो कैसे आप जानोगे गाइस। सिंपली आपको टाइप करना होगा फाइंड /n स्पेस एंड देन अपना सर्च वर्ड लिखिए एंड देन स्पेस देकर के अपना फाइल नेम लिखिए और कर दीजिए एंटर। सो गाइस आपका जो भी लाइन नंबर होगा और साथ में वो स्ट्रिंग वो आपको शो कर देगा। मीन्स जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है ना कि थर्ड लाइन में आपका ये वर्ड है आपका फन, तो ये जो डैश डैश मैंने दिया है ना ये आपका जो भी लाइन आपका लिखा हुआ है वो आपको शो करेगा, या फिर आपका ऐसे भी डैश शो कर सकता है, ठीक है। आप कैसा शो करेगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो, ठीक है। फ्रेंड्स इस कमांड का यूज़ हम तभी कर सकते हैं सपोज़ कि हमने कोई लिस्ट बनाया जिसमें कि बहुत सारे नेम्स हमने लिखे हैं और कुछ नेम्स सेम हैं और कुछ नेम्स डिफरेंट। सो हम जानना चाहते हैं कि जो सेम नेम्स है लाइक राम श्याम, ठीक है, ऐसा कुछ भी एग्जांपल लेते हैं। अब राम कितनी बार हमने लिखा और श्याम कितनी बार हमने लिखा, कौन से लाइन में लिखा हमने, ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू पे जान सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ फाइंड करना है, अब देखो मैंने आपको ये बताया ना कि कौन से लाइन में आपने लिखा है, तो इसका यूज़ करके आप पता कर सकते हो कि आखिर आपका वो वर्ड किस लाइन में है, ठीक है। तो इससे आपके लिए ईजली हो जाता है किसी भी वर्ड को फाइंड करना, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। होप सो गाइज आप लोग को मेरी बातें समझ आ रही होगी। गाइज मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोग को समझ आती है या नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के ज़रूर बताइएगा, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे गाइज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉस की। इट क्रिएट द कमांड हिस्ट्री गाइज। ये जो डॉस की है ना ये हमारे कमांड हिस्ट्री यानी जो भी हम कमांड का यूज़ कर रहे हैं उसका एक हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। जैसे हम लोग यूट्यूब में वीडियोज़ देखते हैं तो एक हिस्ट्री बन जाता है ना, तो वैसे ही ये डॉस की हम जो भी कमांड का यूज़ करते हैं वो एक हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। अब क्रिएट कैसे करना है गाइज, तो सिंपली आपको टाइप करना होगा डॉस की और कर देना होगा एंटर। तो या तो आपको मैसेज शो करेगा डॉस की इंस्टॉल्ड या फिर शो करेगा डॉस की ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। सो ये दोनों में से कुछ मैसेज आपको ज़रूर शो करेगा, ठीक है। सो गाइज जैसे ही आप डॉस की
टाइप करके एंटर करोगे ना, उसके बाद आपका जो भी मन करे, जो भी कमांड का यूज़ करने का मन करे, आप आराम से यूज़ कीजिए, बिल्कुल आपको कोई रोक नहीं है। आप DIR का यूज़ कीजिए, ट्री का यूज़ कीजिए, डेट, टाइम, वॉल, वर्ड, जितने भी मैंने कमांड्स बताए आपको जिसका यूज़ करना है, आप करके एक कमांड हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। अब आप सभी के माइंड में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा, हाउ टू चेक कमांड हिस्ट्री। अब भाई कमांड हिस्ट्री तो हमने बना लिया, लेकिन चेक कैसे करें कि आखिर बना भी है या नहीं। सो चलिए मैं बताती हूँ चेक कैसे करना है। फ्रेंड्स, कमांड हिस्ट्री चेक करना बहुत ही ईजी है गाइज। आप कीबोर्ड में एरो की रहता है ना, अप एंड डाउन, आप उसका यूज़ कर सकते हो, यूजिंग अप एंड डाउन की, एरो की, ओके। आप उसका यूज़ करके आप चेक कर लोगे कि आपने कितने कमांड्स का यूज़ किया है आज। लेकिन गाइज एक बार बता दूँ, ये जो कमांड हिस्ट्री आप क्रिएट कर रहा है डॉस की, ये टेम्प्रेरली है, परमानेंट नहीं है। एक बार आपने PC या फिर लैपटॉप को ऑफ किया यानी कि शट डाउन किया, आपका कमांड हिस्ट्री अपने आप ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली नहीं, आप यूज़ करते करते ही आप कमांड हिस्ट्री को इरेज करना चाहते हो, तो कैसे करना है? सो गाइस सिंपली आपको टाइप करना होगा अल्ट प्लस F7, फिर से कह रही हूँ अल्ट प्लस F7, ये टाइप करना है और आपका कमांड हिस्ट्री ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। अब चेक कैसे करें कि कमांड हिस्ट्री इरेज हुआ है या नहीं? सिंपल गाइस, एरो की का यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि आपका जो कमांड हिस्ट्री है वो डिलीट हो चुका है। वीडियो को स्टॉप करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा गाइस, उसमें सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं आप लोगों के लिए। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स पर लिखे कि मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। इस कमेंट बॉक्स पर नहीं पूछना तो मेरे फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, दोनों का ही लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप लोग एक बार जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एंड गाइस, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे में एक रेड लगा सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करना है, उसके बाद एक घंटी आएगी, उसे भी ज़रूर बजा लीजिएगा गाइस। फ्रेंड्स, मुझे 1 ईयर के अंदर ही 1000 सब्सक्राइबर्स अपने चैनल में करने होंगे, तभी मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाऊँगी, और उसमें मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है गाइस। सो अगर आप हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू पर भी हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करवा सकते हो आप लोग। अगर आप लोग हेल्प नहीं करोगे तो और कौन करेगा गाइस, प्लीज़ हेल्प मी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना एंड अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।